खंडग्रास सूर्य ग्रहण 21 जून 2020। इस साल का यह पहला और आखिरी सूर्य ग्रहण है। आखिरी इसलिए कि 14 दिसंबर को भी सूर्य ग्रहण है, लेकिन वो भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए उसका ना कोई सूतक काल ना कोई नियम है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह एक केवल खगोलीय घटना होती है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में इसका ग्रहण का साधना, जप, तप, इसके लिए बहुत महत्व होता है, क्योंकि ये ग्रहण हमारे पूरे जीवन पर प्रभाव करता है। इसलिए इस ग्रहण के नियम और सूतक काल जहाँ तक हो सके लोग पालते हैं। 21 जून को यह ग्रहण जो है उत्तर की ओर कंकणाकृति होगा और बाकी भारत की ओर सब सभी ओर खंडग्रास होगा। इस ग्रहण काल ये जो ग्रहण है ये संडे के दिन ज्येष्ठ अमावस्या को 3.5 घंटे का यह ग्रहण होगा। यह सुबह 10 बजे से 10:11 से इसका स्पर्श होगा और मध्यकाल होगा इसका 11:50 और मोक्ष इसका 1:41 पे है। और इसका सूतक काल जो होता है वो 20 तारीख को रात को करीब अंदाजे 10 बजे से शुरू हो जाता है। 12 घंटे पहले शुरू होता है सूतक काल। अब ये जो सूतक काल होता है इसमें बच्चे, बुजुर्ग, बीमार या अनियमित व्यक्ति जो है यह सूतक काल सुबह 4:30 बजे से शुरू कर सकता है। सूतक काल में सो सकते, पानी पी सकते, भोजन नहीं। लेकिन ग्रहण का जो पर्व होता है, ग्रहण काल जो होता है सुबह 10 बजे से 1:45 बजे तक, समझो मैंने टाइमिंग बताई है। इस ग्रहण काल में ना भोजन चलता, ना पानी चलता, ना कोई कृत्य चलता। इस ग्रहण काल में केवल मंत्र, जप, ध्यान, साधना, गुरु की आराधना, परमात्मा की प्रार्थना, इसको समय जहाँ तक देना होता है। ये हमारे ऋषियों काल से, पुरातन काल से परंपरा चली आई है। इसमें और भी एक बात होती है कि जैसे हमारा जो खाना बचता या पानी होता है, पानी में तुलसी के पत्ते डाल दो, खाने में तुलसी के पत्ते डाल दो, क्योंकि वातावरण दूषित होता है तो हमारे खान पान दूषित हो जाता है। तो उस दृष्टि से दरवाजे खिड़कियाँ, या उस दृष्टि से खाना ढक के रखना, दरवाजे खिड़कियाँ या बंद रखना, और कोई भी गलत कृत्य न करना, खासकर गर्भवती जो महिलाएं होती है उनको बहुत ध्यान रखना होता है कि तेज धार वाली जो चीजें होती है, जैसे चाकू हो, मतलब छुरी हो, कैंची हो, ऐसे औजारों का इस्तेमाल ना करें, इसका गर्भ पर प्रभाव पड़ता है। यह शास्त्रों में भी बताया और बुजुर्ग लोगों को भी पता है, नए पीढ़ी को छोड़कर। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि ग्रहण काल के बाद नहाना होता है, और बहुत सी प्रथा है कि दान भी करते हैं, अपने अपने हिसाब से यह कर सकते हैं। यह सूर्य ग्रहण इस साल का पहला सूर्य ग्रहण है। कोशिश करें आप अगर नियमों का पालन कर सके तो आपको लाभ ही होगा। यह हमारी पुरातन संस्कृति की देन है कि नियम सूतक काल कैसे हो, कैसे पालन किया जाए।